और क्लच आपको बहुत ही हल्का हल्का छोड़ना है, एकदम से क्लच नहीं छोड़ देना, ठीक है? छोड़ो हल्का हल्का क्लच, पूरा मत छोड़ देना, पूरा छोड़ो तो ये भग जाएगी कार आती है। अब आगे क्लच दबा लेना, पूरा पूरा क्लच दबा लो, हल्का का ब्रेक टच करो, अभी गियर को न्यूट्रल करो और रिवर्स गियर लगा लो। लगा लिया रिवर्स गियर, अब हम लोग सीधा पीछे जाएंगे, करीब करीब 10 कदम तक जाएंगे, फिर आपको वहाँ पे कार खड़ी कर लेना है, ठीक है? चलो क्लच दबा लिया करो, ऐसे आवाज़ आए तो क्लच दबा लिया करो। चलो छोड़ो हल्का का क्लच, गियर आपका फंसा हुआ था इसीलिए आवाज़ आ रही थी, है ना? लग गया गियर, छोड़ो छोड़ो हल्का का, है ना? ठीक है सीधा रखना, ज़्यादा घुमाना नहीं स्टीयरिंग को, क्योंकि अभी कार आपकी सीधी है तो हम लोग सीधे ही जाएंगे स्ट्रेट। बढ़ाओ हल्का हल्का, गुड। अभी खड़ी कर लो फिर से, अभी स्टीयरिंग को ना पूरा घुमा दो किसी भी साइड, पूरा घुमाओ किसी भी साइड, पूरा स्टीयरिंग घुमाओ किसी भी साइड। आपने लेफ्ट स्टीयरिंग घुमा दी, ठीक है? तो पीछे का हिस्सा लेफ्ट जाएगा, और घुमा लो हल्का सा, बस गुड। अभी ब्रेक के पैर रखे रहना और सिर्फ आपको क्लच छोड़िएगा हल्का हल्का, ठीक है? सिर्फ क्लच छोड़िएगा, छोड़ो हल्का का, सिर्फ क्लच छोड़िएगा बस। जब कार सीधी हो जाए तो खड़ी कर लेना, और जाने दो, अभी सीधा मत करो, जाने दो, और जाने दो, और जाने दो, बस खड़ी कर लो, खड़ी कर लो, खड़ी कर लो। आप स्टीयरिंग को सीधा कर रहे हो, पहले खड़ी करते हैं, और सीधा करो एक बार, सीधा करो स्टीयरिंग को, हाँ स्टीयरिंग सीधा करो, और सीधा करो एक बार, अभी और सीधा करो, ये सीधा हो गया, गुड। अभी गियर को रिवर्स लगाना, तो रिवर्स अभी आपको और लेके जाना, दीवार तक ले जाना, डिवाइडर तक, जहाँ पे डिवाइडर ना वहाँ तक ले जाना, हल्का के जाओ, हल्का के जाना, हल्का के जाओ, दोनों मिरर में देखते जाओ, और जाओ हल्का हल्का, बस खड़ी करो, खड़ी करो, वाइट पट्टी से बाहर नहीं जानी चाहिए हमें, वाइट पट्टी से बाहर नहीं जाना है, ठीक है? अब गियर को न्यूट्रल करो, अब ब्रेक पे पैर रखे रहो, कार देखो स्लोप पे पीछे जा रही ना, तो ब्रेक पे पैर रखे रहेंगे ना हम लोग, ठीक है? चलो अब लगाओ मैम फिर से ड्राइव पे फर्स्ट गियर, नहीं लग रहा तो पीछे, हाँ ये लग गया, ठीक है लग गया ना। अब पहले आपको हल्का हल्का क्लच छोड़ना है, हल्का का क्लच छोड़ो और फिर ब्रेक छोड़िएगा मैडम। अब ब्रेक छोड़ो, अब पैर पूरा क्यों उठा रहे हो मैडम, क्लच दबाओ, पूरा क्लच दबाओ, रोको। आप इस चेयर को क्यों घुमा दिया मैडम, आपको सीधे जाना था ना डिवाइडर तक, फिर गलत बात है ना, आप पहले से ही घबरा जाओगे। राइट टर्न करो मैम स्टीयरिंग को, राइट टर्न करो, और टर्न करो, और टर्न करो, और घुमाओ राइट, और घुमाओ, बस। अब पहले ब्रेक छोड़ो, फिर क्लच छोड़ो हल्का का, आप पूरा टाइम ना कन्फ्यूज हो मैडम, अभी आगे जाना है मैडम, ठीक है? तो गियर तो लगा है ना, तो आपको सिर्फ क्लच छोड़ना ना हल्का हल्का, छोड़ो हल्का का क्लच, हल्का छोड़ो क्लच मैम, ब्रेक दबा नहीं होना चाहिए, हल्का छोड़ना हल्का का, कोई दिक्कत है तो पहले क्लच दबाना, आप क्लच दबाओ, हाँ गुड। अब फिर से एक कदम और जाओ आगे, और जाओ और जाओ, आप क्लच दबाओ, ब्रेक लगाओ, बस, और एक कदम जाओ आगे, और जाओ एक कदम, आप क्लच दबाओ पूरा, गुड। अभी टायर सीधा करो मेरी साइड, और सीधा करो, बस हो गया। अब फिर से रिवर्स गियर लगा लो, लगा लिए रिवर्स गियर, अब आपको लेफ्ट मिरर में देखना है, राइट मिरर में देखना है, दोनों साइडों देखना, ठीक है? चलो अब छोड़ो मैम हल्का हल्का, हाँ स्टीयरिंग सीधा रखना, पीछे तक जाना, बस आपको खड़ी करना है वाइट पट्टी से पहले। आपने फोर्थ गियर लगाया होगा मैडम, चलिए गियर पहले न्यूट्रल करो मैम, चलो स्टार्ट करो इंजन, गुड। अब लगाइए मैम रिवर्स गियर, लग गया, एक मिनट गई भाई साहब, पीछे इनके निकलने के बाद फिर हम जाएंगे। चलो छोड़ो हल्का हल्का, ब्रेक पे पैर सिर्फ रखना, ब्रेक आपको दबाने का कोई काम यहाँ पे नहीं है, ठीक है? छोड़ो हल्का का, बस खड़ी करो, एक कदम और जाओ, वाइट पट्टी पे जाना आपको, ठीक है? जाओ एक कदम और जाओ, और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ, बस खड़ी करो, बस बस, वाइट पट्टी के ऊपर आ गई, कोई बात नहीं, गुड। अभी गियर को न्यूट्रल करो और हैंड ब्रेक लगा दो, अभी न्यूट्रल नहीं हुआ है, पीछे करो, ये न्यूट्रल हो गया, अब हैंड ब्रेक लगाओ, खींचो मत दबा करो हैंड ब्रेक के लिए, खींचो बस, गुड। अब एक बार निकल के देखो कार आपकी कहाँ तक खड़ी है, चारों साइड देखना आपको, ऑफ कर दो या फिर ऑन रहने दो, जैसे भी सही, एक बार निकलो गेट खोल के और देखो चारों साइड से,
देखिए कार आपकी कैसे खड़ी है, एक बार जजमेंट ले लीजिए आप। आपको मिरर थोड़ा सा नीचे करना चाहिए, तो फिर आपको वाइट, जब हम रिवर्स या बैक करते हैं तो हम मिरर को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, है ना। गुड, अब फिर से आपको चलना है, फिर से आपको टर्न करना है, स्टार्ट करना है इंजन। अब क्या आपको राइट टर्न करना है, चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले तो हम लोग क्लच दबा के इंजन को स्टार्ट करेंगे। आपको राइट टर्न करना है यहाँ से, फर्स्ट गियर लगा लिया ना, हैंड ब्रेक हटाया, ऊपर उठाते हो स्विच दबा के, फिर हैंड ब्रेक हम लोग नीचे करेंगे। अब राइट टर्न कर लो, स्टेयरिंग को राइट टर्न करना है ना। हाँ, क्लच छोड़ो हल्का हल्का, ब्रेक छोड़ो पहले, फिर क्लच छोड़ो, ऐसा स्लोप पर चलाते हैं ना। जाओ और घुमाओ और घुमाओ, जब सीधी हो जाए तो पहले कार खड़ी कर लेना। अब खड़ी करो पहले, क्लच ब्रेक, क्लच ब्रेक। आप सीधा करने लगते हो पहले, खड़ी नहीं करते हो कार को, कोई बात नहीं, जैसा आप चलाओगे वैसे चलेगी कार, है ना। हाँ और क्या, कार को आप चलाएंगे ना। अब सीधा करो, मैं और सीधा करो, लेफ्ट लेफ्ट और सीधा करो। अब आप कार चलाने जा रहे हो, मैं सीधा करने ले कह रहा हूँ, तो आप कार को क्लच छोड़ दिया, गलत बात है ना। खड़ी कर लो भाई, मैंने स्टेयरिंग सीधा करने के लिए बोला था ना आपको, ये भगाने के लिए बोला हुआ था। चलो कोई बात नहीं, रिवर्स गियर लगाओ फिर से, गियर को न्यूट्रल करो और रिवर्स गियर लगा लो फिर से। अब आपको सीधा लेके जाना है कम से कम 20 कदम, और वहां पे खड़ी करना है, बस चले आना है। कभी भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो पहले हम लोग कार को खड़ी कर लेते हैं मैडम, नहीं फिर आप स्टेयरिंग घुमाते रहोगे, कार भक्ति चली जाएगी ना। गट जाओ,